नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत कोचर और आज हम बात करेंगे कि क्या मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होना अच्छी चीज़ है। यहाँ पे मेटाबॉलिज्म से मतलब हम बीएमआर से बात करेंगे कि क्या आपकी बीएमआर ज़्यादा है तो क्या अच्छी चीज़ है। लोग सोचते हैं कि ज़्यादा बीएमआर होना बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि आप पतले रह सकते हो, आप जो चाहे खा सकते हो, जितना चाहे खा सकते हो, आप वज़न ही नहीं बढ़ेगा और चर्बी नहीं चढ़ेगी शरीर पे, मोटे नहीं होगे, तो लोगों के हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये अच्छी चीज़ नहीं है, पर आज हम देखेंगे कि क्या इसके कोई नुकसान भी है। पहले तो हमने देख लिया कि जिनका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा है उनको किस बात की खुशी है, जो चाहे खा सकते हो, जितना चाहे खा सकते हो। जिनका मेटाबॉलिज्म कम है उनको किस बात का दुख है, ये भी देख लेते हैं कि वज़न आसानी से कम नहीं हो पाता, फैट जो है वो आसानी से चढ़ जाता है शरीर पे, मतलब बहुत सारा खाना खाना चाहता हूँ मैं पर मैं नहीं खा सकता, या फिर मैं मुझे जो पसंद है वो नहीं खा सकता। इसमें एक चीज़ के बारे में पहले मैं बात कर लूँ कि जो जिनका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा है वो इस बात से जो बहुत खुश होते हैं कि एक पेस्ट्री, पिज्ज़ा, बर्गर जो दोगे मैं सब खा जाऊँगा, मोटा नहीं होऊंगा, वो इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हैं और मेरे को कोई असर नहीं होगा, हाँ 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 देखो मेरे को कोई नहीं हरा सकता। और जो कम बीएमआर वाले, कम मेटाबॉलिज्म वाले लोग हैं वो इस बात से दुखी है कि देखो देखो मैं ये सब नहीं खा पाता, मैं ज़्यादा नहीं खा पाता, थोड़ा सा खा के रुकना पड़ता है। तो तुम दोनों के लिए बता दूँ कि जो लोग सोच रहे हैं कि मोटे नहीं हो रहे, केक पेस्ट्री आन दो आन दो आन दो, जितना खाना है खा लो खा लो, मोटे नहीं हो रहे, कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें ये बात बता दूँ कि तुम मोटे नहीं हो रहे हो ये एक चीज़ है, लेकिन वो तुम्हारे शरीर के अंदर जा करके कोई नुकसान नहीं कर रहा है ऐसा नहीं है। वो तुम केक खाए जाओ, पेस्ट्री खाए जाओ, पिज्जे खाए जाओ, बर्गर खाए जाओ, तो वो तुम्हारे अंदर जा करके नुकसान कर रहा है, बस वो तुम्हें मोटा नहीं कर रहा है। तुम मोटे हो नहीं हो इसका मतलब ये नहीं है तुम बीमार नहीं हो, तुम्हें अंदर कोई तकलीफ नहीं है। तो जो जिन लोगों की बीएमआर कम है वो इस बात से खुश हो सकते हैं क्योंकि बीएमआर कम होने के कारण वो इन सबसे ज़्यादा बचे हुए रह सकते हैं, और जिनकी बीएमआर ज़्यादा है वो खुश होकर के ये सब खाते रहते हैं उल्टे से की चीज़ें कि हम मोटे नहीं हैं। मैं बता दूँ कि सिर्फ मोटा होना ही एक तरीका नहीं है जानने का कि आप मतलब आपकी सेहत ख़राब है, यानी अंदर से आपकी सेहत ख़राब हो सकती है और आप पतली हो सकते हो जितना पतले हो, ठीक है। तो इसका मतलब तुम्हें भी ये खुली छूट नहीं है कि तुम आए आए जो आए मुँह में खाए जाओ, ये खुली छूट नहीं है, ठीक है। मोटे लोगों के दुख की बात कर ली और पतले लोगों के सुख की बात कर ली, अब बात करते हैं कि बीएमआर ज़्यादा या मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होने के नुकसान भी हो सकते हैं। एक तो वज़न बढ़ाने में दिक्कत होती है, जो पतले लोग होते हैं जिनकी बीएमआर ज़्यादा होती है उन्हें वज़न बढ़ाने में दिक्कत होती है, वज़न बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा खाना पड़ता है, कई बार भूख से ज़्यादा खाना पड़ता है, बहुत दिक्कत होती है। भूख से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए और बिना भूख के भी नहीं खाना चाहिए, ठीक है। अगर आप कई दिन तक अगर आप ढंग से खाना ना खाओ तो एकदम से आपका वज़न कम हो जाता है, क्योंकि अभी बीएमआर इतनी ज़्यादा, आपने ढंग से खाना नहीं खाया वज़न कम हो गया, एकदम से वज़न कम होना भी ठीक नहीं है, ठीक है आपने कुछ दिन ढंग से नहीं खाया इसलिए वज़न कम हुआ है, पर बीमारी से नहीं हुआ, पर वज़न कम आप वज़न एक जगह पर आपका मेनटेन रहना चाहिए, आप थोड़े से दिन नहीं खाओ तो वज़न एकदम से कम हो जाए, ये भी ठीक नहीं है। फिर बीएमआर ज़्यादा होने का एक नुकसान ये भी है, कई बीमारियाँ होती है जैसे हाइपरथायरॉयड, जिसमें बीएमआर ज़्यादा हो जाती है, हमारे बॉडी में थायराइड हार्मोन बहुत बनने लग जाते हैं जैसे, तो हमें इस बीमारी में बीएमआर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इतनी ज़्यादा बीएमआर हो जाती है कि हमारे शरीर इतनी ज़्यादा रोज की ऊर्जा खर्च करने लग जाता है, जितनी हम खा नहीं पाते तो हमारा वज़न कम होने लग जाता है, हम उतनी ऊर्जा अंदर दे नहीं पा रहे पर वो खर्च बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो हमारा वज़न कम होने लग जाता है, जिसमें मसल लॉस भी हो जाता है, फैट लॉस, मसल लॉस, वेट लॉस, काफ़ी सारा वेट लॉस हो जाता है। तो ये एक उदाहरण है कि बीएमआर बहुत ज़्यादा होना भी एक बीमारी है, एक बीमारी में बीएमआर बहुत ज़्यादा है तो देख लो उसमें कितनी तकलीफ होती है। अब चौथी बात जो करूँगा वो मेरे हिसाब से सबसे खास बात है। अगर देखो आपकी बीएमआर ज़्यादा है तो आपको वज़न, आप बहुत ज़्यादा खा लोगे आपका वज़न उतना ही रहेगा, तो आप ज़्यादा खाओगे आपको भूख भी ज़्यादा लग सकती है। देखो आप जितना ज़्यादा अपने शरीर को खाना दोगे उतना ज़्यादा वो मेहनत करेगी उसे पचाने पे। आप ऐसे देखो कि आपका शरीर एक मशीन है, उस मशीन को आप खाना दिए, मतलब उस मशीन का काम क्या है, खाना पचाओ खाना पचाओ खाना पचाओ, आपका पेट है, आपकी आंतें हैं और आपके शरीर के और भी ऑर्गन हैं जो इससे वो काम आते हैं, इन सब में लीवर है, ये सब काम आते हैं,
तो आप उसको खाना दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, वो पचाया जा रहा है, पचाया जा रहा है, पचाया जा रहा है, वो मशीन है चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। कोई है जिसकी कम बीएमआर है वो भी दिया जा रहा है पर वो कम खाना दे रहा है, तो मशीन को कम काम करना पड़ रहा है। कोई है जिसकी बीएमआर बहुत ज़्यादा है तो वो बहुत ज़्यादा खाना दे रहा है, तो उसकी मशीन को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। अब ऐसे देखो, कोई मशीन है जो कम काम कर रही है तो थोड़ा ज़्यादा लंबा चलेगी, कोई मशीन है जो बहुत ज़्यादा काम कर रही है तो थोड़ा कम लंबा चलेगी, और एक मशीन है कि तुमने उसे बंद ही कर दिया, रोज़ तुम 24 घंटे नहीं चलाने की जगह उसे तुम 10 घंटे चलाते हो और 14 घंटे बंद रखते हो, तो मशीन 70 साल की जगह हो सकता है 90-100 साल चल जाए। कहने का मतलब है कि तुम उसे जितना खाना दे रहे हो उतना तुम उस मशीन को चला रहे हो, उतना ज़्यादा तुम उस मशीन को चला रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर तुम अपने शरीर को खाना कम देते हो तो तुम्हारी उम्र बढ़ सकती है। अच्छा, इस पे विज्ञान का क्या कहना है? विज्ञान का कहना है कि बीएमआर कम होना, मेटाबॉलिज्म कम होने से जानवरों में उनकी उम्र बढ़ती हुई पाई गई है, और विज्ञान का ऐसा कहना है कि ऐसा इंसानों में भी हो सकता है। विज्ञान इस बात पे पक्का नहीं जानता कि इंसानों में है नहीं, पर जानवरों में पाई गई है। उन जानवरों को खाना देना बंद कर दो कुछ टाइम के लिए या फिर खाना कम दे दो तो उनकी उम्र बढ़ जाती है। मतलब ऐसा नहीं है कोई जानवर, गाय अगर 25 साल जीती है तो वो 100 साल जी जाएगी, ऐसा नहीं है। पर अगर गाय 17-18 साल में मर रही है तो 20-22-25 साल तक जी जाएगी। जैसे इंसान की उम्र अगर मान लो 100, 110, 120 साल है और वो आजकल 70 पे 75 पे मर रहा है तो 80-90 तक पहुंच जाएगा ऐसे, या 100 तक पहुंच जाएगा ऐसे। शास्त्रों का क्या कहना है? शास्त्रों का कहना है कि कुछ शास्त्रों का कहना है कि एक दिन का जो हम उपवास करते हैं वो सबसे अच्छी दवाई है। अच्छा, हमें एकदम आइडियली मतलब एकदम सही गणित लगा करके माना जाए तो हमें महीने में 6 उपवास करने चाहिए, जिस दिन हम कुछ नहीं खाएं, खाली पानी पी सकते हैं। अच्छा, अगर हम महीने में 6 दिन नहीं कर सकते तो आप महीने में 5 दिन करो, 4 दिन करो, 3 दिन करो, 2 दिन करो, 1 दिन तो करो महीने में। महीने में 1 दिन नहीं कर सकते, 2 महीने में 1 दिन करो, 3 महीने में 1 दिन करो, 4, 5, 6 महीने में 1 दिन करो, साल में 1 तो करो। पर एक ठीक नंबर रहेगा, अगर महीने में 6 दिन नहीं कर सकते तो हफ्ते का 1 तो ठीक नंबर रहेगा, हफ्ते का 1 नहीं कर सकते तो 15 दिन का 1 तो ठीक नंबर रहेगा। फिर शास्त्रों में और विज्ञान का भी कुछ कुछ इस पे मत है कि जब आप भूखे रहते हो तो क्या है कि आप अपने शरीर में जो गलत सेल है, जैसे कैंसर के सेल हैं या जो भी आपके शरीर के लिए नुकसानदायक सेल हैं, बैक्टीरिया हैं, और इनको आप ख़त्म करते हो, क्योंकि अभी शरीर को ऊर्जा नहीं मिल रही तो अभी यूँ कह सकते हो इन्हें भी ऊर्जा नहीं मिल रही, ये कारण हो सकता है। तो शास्त्र अगर ये कह सकते हैं कि इन्हें ख़त्म करते हो तो बीमारियां जाती है, और विज्ञान में भी इसका कुछ कुछ मिलता जुलता मत है। शायद आयुर्वेद का कहना है कि हर 15 दिन में आपको एक दिन, जैसे एकादशी और इस तरीके से 15 दिन में एक व्रत करना चाहिए तो आपकी बीमारियां आपके दूर रहेगी। अगर आप ऐसा व्रत नहीं करते हो तो आप बीमारियां आपको लग सकती है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि ज़्यादा मेटाबॉलिज्म होने के भी नुकसान हो सकते हैं, और कम मेटाबॉलिज्म में तो हमें दिक्कत हो ही रही है तो क्या करें, कम रहने दें या ज़्यादा होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए, एक सामंजस्य होना चाहिए, दोनों का पलड़ा मतलब बीच का होना चाहिए। ऐसा नहीं एक में बहुत भारी हो गया, एक में बहुत हल्का हो गया, ऐसा नहीं। अच्छा, बैलेंस होना चाहिए। अच्छा ठीक है, तो मेरा मेटाबॉलिज्म कम है तो क्या करूँ? कम ही रहने दूँ? देखो, अगर बहुत कम है तो उसे थोड़ा बढ़ा लेना चाहिए। मेरा मेटाबॉलिज्म ज़्यादा है तो मैं क्या करूँ? मेरे को इनमें से कोई दिक्कत हो गई तो मेरी उम्र कम हो गई? तो अगर आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा है तो आपको थोड़ा कम कर लेना चाहिए, सीधी सीधी बात है। ऐसा नहीं है, अगर आपकी बीएमआर ज़्यादा है तो आपको एकदम से बहुत कम करने की कोशिश करनी चाहिए, और आपकी बीएमआर कम है तो आपको कम ही रहने देनी चाहिए, अगर बहुत कम है तो आपको कम ही रहने देनी चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि आपकी बीएमआर बहुत कम है तो आपको उसे बहुत बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। देखो, कुदरत ने जो आपको दिया है वो आपके लिए ठीक है, आप कह सकते हो आपके लिए ठीक है, तभी आपको मिला होगा। तो कुदरत के साथ खिलवाड़ मत करो, बस थोड़ा बहुत जो हम अपनी तरफ से कुछ पुरुषार्थ डाल करके कुछ बदलाव कर सकते हैं, जो कि मतलब जिसमें हम कुदरत के साथ खिलवाड़ ना करें उतना करना ठीक रहेगा। अच्छा, ये कम मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते कैसे हैं, ज़्यादा मेटाबॉलिज्म को कम कैसे करते हैं, आगे आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट कर सकते हो। इस तरीके का वीडियो शायद आपको बाहर आसानी से ना मिले, तो मैं कहूँगा कि अपने परिवार दोस्तों और जिनका बलाचार है उनके साथ में आपको ये शेयर करना चाहिए। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। नमस्कार।